हेलो यू ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू बी हेल्दी इंडिया। बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, कंफ्यूज होते हैं, रेड मीट होता है क्या। रेड मीट होता है लैम, आपका मटन, बकरा, पोर्क, बीफ, ये सब रेड मीट होता है। और रेड मीट, डार्क मीट, ये जो मीट होते हैं ये सब हेल्दी होते हैं या नहीं होते, हेल्थ को खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। वाइट मीट होता है जैसे कि आपका चिकन, फिश हो गया, ये आपके वाइट मीट में आते हैं। बट आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका जो चैलेंज है आपके सामने कि आपको क्या करना चाहते हैं। आप वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो फिर आपको रेड मीट नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रेड मीट अगर आप खाएंगे तो उसके अंदर सैचुरेटेड फैट होगा, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। सैचुरेटेड फैट की वजह से आपको जो कैलरीज मिलेगी वो कैलरीज आपकी 1 ग्राम फैट में आपको 9 ग्राम कैलरी मिल जाएगी, और इसमें तो आपको भर भर के कैलरीज मिलेंगी। अगर आप रेड मीट खाते हैं, मटन खाते हैं, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कैलरीज मिलेगी, वेट गेन होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, आपको हार्ट डिजीज़ हो सकती है, हार्ट प्रॉब्लम हो सकती है लेटरल। तो फिर ये सब बचने के लिए आपको लिमिटेशन सेट करनी पड़ेगी। अगर आप हफ्ते में एक बार खा रहे हैं तो आप 10 दिन के बाद एक बार खाइए, आप रेगुलर रेड मीट नहीं खा सकते। अगर आप रेगुलर खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर सकते हैं। अगर कुछ लोग सोचते हैं कि रेड मीट खाने से तो मसल गेन होता है, उसके अंदर प्रोटीन होता है, जी हाँ बिल्कुल उसके अंदर तो प्रोटीन होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन भी लेवल भी बढ़ता है। बट जब आप उसे खाए उसे देखेंगे, अगर आप 100 ग्राम क्वांटिटी लेते हैं तो 100 ग्राम के अंदर 50 ग्राम तो आपका फैट ही मिल रहा है, मतलब 50-50% का रेशियो है। आपको जब आप वाइट मीट कंज्यूम करते हैं, मैं आपको चिकन लेग की बात नहीं कर रहा हूँ, जब आप चिकन लेग नॉट हेल्दी फॉर यू इफ़ यू गोइंग फॉर वेट लॉस। अगर आप वेट गेन करना चाहते हैं तो बात अलग है, अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको चिकन विंग्स खाना पड़ेगा या फिर चिकन ब्रेस्ट खाना पड़ेगा, उसके अंदर जो जीरो फैट होता है और जीरो कार्ब्स होता है, तो फिर वो आपके लिए एक अच्छा सोर्स है, ना कि रेड मीट। रेड मीट अगर आप खाएंगे 100 ग्राम उसके अंदर 50 ग्राम तो आपको फैट ही मिल जाएगा, एक तो आपका वजन भी बढ़ रहा है, दूसरा आपका कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ रहा है, तो यहाँ से तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक ही है, आप लिमिटेशन सेट कीजिए। डेफिनेटली रेड मीट हेल्दी होता है, आप इसको एक हफ्ते में या 10 दिन में एक बार खाइए, आपको टेस्टोस्टेरोन के लिए गुड है, जो उसमें सैचुरेटेड फैट होता है वो आपकी हेल्प करता है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए, तो ये सारे बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। आपको फिश खाना चाहिए ओमेगा 3s के लिए, आपको वीक में एक बार तो फिश खाना चाहिए, उसमें ओमेगा 3 ओमेगा 6 आपको मिलेंगे, तो ये आपके लिए अलग बेनिफिट होगा। और चिकन में आप कभी भी लेग का जो पीस होता है, लेग और थाई, उसको अवॉइड करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। आप हफ्ते में एक बार जरूर खा सकते हैं चिकन का लेग या उसका थाई एरिया, बट आपको रेगुलरली अगर आप खाते हैं, कंज्यूम करना चाहते हैं लीन प्रोटीन, अगर आप खोज रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो फिर वो सिर्फ आपके लिए है। उसमें आपको लीन प्रोटीन मिलेगा, 24 ग्राम प्रोटीन मिलेगा 100 ग्राम के अंदर, 24 ग्राम प्रोटीन और एक लीन सोर्स है। साथ में आप वाइट एग वाइट खा सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प हो सकता है। तो ये दो चीज़ें जो हमेशा आप खा सकते हैं, कितना भी खाएंगे तो कोई नुकसान नहीं होगा। आजकल किसी भी मेडिकल साइंस ने कुछ भी प्रूफ नहीं किया इसके बारे में कि उसे खाने से कुछ भी नुकसान होता है। और हाँ, डेफिनेटली बहुत सारे टाइम टाइम पर रेड मीट के बारे में ऐसे जो वैज्ञानिक लोग हैं वो उसके बारे में बोलते रहते हैं कि रेड मीट खाने से आपको हार्ट डिजीज़ होती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, उसमें साथ में कैंसर की प्रॉब्लम भी देखी गई है उसे खाने की वजह से। तो इतनी सारी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप लिमिटेशन सेट कर लीजिए, बाकी सब कुछ आपका हो जाएगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट करके हमें ये बताइए कि आप रेड मीट कितनी बार खा रहे हैं हफ्ते में, अगर आप खा रहे हैं तो ठीक है। तो जब तक आप खुश रहिए, सलामत रहिए, जय हिंद, वंदे मातरम।